मैं थाने गुरु जी बना सू। मैंने कहा माता जी मन तो माफ करो, मैंने बड़ा दिन कथा करनी है। अरे गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु कोई शरीर थोड़ी होता है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा बंधे। जो आया है उसको तो जाना ही है। गुरु के द्वारा हमें जो मंत्र मिलता है वही हमारे लिए गुरु है। उस मंत्र में सच्चे निष्ठा रखो, श्रद्धा से उस मंत्र का जाप करो, शरीर तो जाने वाला है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में शिक्षा गुरु 24 बनाए। पृथ्वी वायु आकाश अपोगनी चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृतग्रज। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि पृथ्वी जैसी सहनशीलता संत के जीवन में होनी चाहिए। मैंने वायु को गुरु बनाया, वायु चलती है लेकिन दिखती कभी नहीं। ऐसे ही संत शरीर से कहीं भी चले लेकिन उसका मन एकाग्र होना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आकाश को गुरु बनाया। आप में से कोई भी ये बता सकता है कि आकाश कितना फिट लंबा है, कितना फिट चौड़ा है? कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये तो अनंत है। इसलिए अपने मन को अनंत में लगाना है, अंत में क्या लगाना। मैंने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमः पंडिता बुधा। संत के जीवन में ज्ञान की अग्नि का होना नितांत जरूरी है। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। देखो कबूतर जो होता है ना, ये अपने परिवार के प्रति ममता ज्यादा करता है। कबूतर का बच्चा जाल में फंस गया, कबूतर की मां सोची मेरे बेटे जाल में फंस गए तो मैं यहां करके क्या करूंगी, वह भी स्वयं चली जाती है। कबूतर सोचता है बेटे चले गए, पत्नी चली गई तो मैं यहां रह करके क्या करूंगा, वो भी अपने आप चला जाता है। इसलिए प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। सभी में मेरे गोविंद विद्यमान है, इस भाव से प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। मैंने जल को गुरु बनाया। शिवाणी बोलियो मन का ओरन को शीतल करही आप शीतल हो। हम ऐसी ही वाणी बोले जो सभी को पवित्र करती हो, सभी को आनंद प्रदान देती हो। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलना जो किसी के मन में कष्ट पहुंचाती हो। मैंने एक बच्चे को गुरु बनाया। देखो एक बच्चा था, माता पिता उसके बड़े गरीब थे बेचारे। अब उसके यहां लकड़हारा था, उसके यहां बचपन के 4-5 मित्र आ गए। पत्नी से जाकर के कहा देवी हमारे बचपन के मित्र हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, इनको थोड़ा नाश्ता पानी कराओ ना। पत्नी ने रसोई में जाकर के देखा तो घर में तो कुछ था ही नहीं। उसने कहा घर में तो कुछ नहीं है, अब क्या करें, लेकिन देवी इनको नाश्ता पानी तो कराना ही होगा।
उसने कहा आप एक काम करिए, आप सामने वाले की दुकान पे जाइए, वहां से 1 रुपए का चीनी, 1 रुपए का चाय पत्ती, 1 रुपए का दूध, 1 रुपए का भुजिया और 1 रुपए का मीठा, 5 रुपए की चीज ले आइए, मैं 5 रुपए में इनको नाश्ता पानी सब करवा दूंगी। लेकिन देवी हम 5 रुपए की चीज यदि लाएंगे, पैसे तो हमारे पास है नहीं, और उधार यदि हम लाएंगे तो उस उधार को हम कैसे चुकाएंगे। रोज 1 रुपए कमाते हैं और 1 रुपए में रोज खा पी करके हो जाता है। तो देखिए हमारी माताओं में कितना दिमाग होता है। पत्नी बोली आप बहुत भोले हैं, अब ये जो आपके मित्र आए हैं, अब ये नाश्ता पानी करके जब जाएंगे तो हमारे बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे ना, तो जो ये देखे जाएंगे उससे हम अपने बाजार का कर्जा चुका देंगे। पतिदेव के समझ में आ गई और दुकान पे जाके 1 रुपए का दूध, 1 रुपए का चीनी, 1 रुपए का चाय पत्ती, 1 रुपए का मीठा, 1 रुपए का भुजिया, 5 रुपए की चीज लेके आ गया। खूब आनंद से नाश्ता पानी हुआ, हास्य परिहास हुआ। अच्छा भैया अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब वो जैसे ही चलने लगे बच्चे के हाथ में देना ही भूल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके मन में भाव जगा कि हम बहुत दिनों के बाद आए थे तो हमें बच्चे के लिए कुछ लेकर के तो आना ही चाहिए था, और हम बच्चे के लिए कुछ नहीं लेकर के आए तो आते वक्त हमें उसके हाथ में तो कुछ ना कुछ दे के आना चाहिए था। वे बेचारे वापस लौट करके आए और बच्चे के हाथ में जैसे ही देने लगे बच्चा कहता है मैं नहीं लेता। अरे बेटा ले ले, कहता है मैं नहीं लेता। अरे भाभी जी आप ही समझाओ ना ये बच्चा क्यों नहीं लेता। माँ ने कहा बेटा अंकल जी जब प्रेम से दे रहे हैं तो ले ले। बेटा कहता नहीं लेता। माँ ने कहा क्यों नहीं लेता, तुमने कहा था 5 रुपए दे के जाएंगे, बाजार का कर्जा चुक जाएगा, ये तो 2 ही रुपए देते हैं, दो में कैसे बाजार वाले को, चाय पत्ती वाले को, चीनी वाले को, सबको देना है ना। माँ ने तो उस बच्चे को गले से लगाया। मैंने उस बच्चे को गुरु बना करके सीखा। चिंता के आत्मरते घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चे को कुछ मालूम नहीं, आत्मक्रीड़े आत्मरति, बच्चा अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता है, अपनी आत्मा के साथ उसकी रति रहती है। मैं भी अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता हूँ, यहाँ पर पड़ा रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ संत है, मुझे माला पहना करके चले जाते हैं, मुझे प्रसन्नता नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं नंगा बाबा, नाता नहीं धोता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है, 2-4 मुट्ठू बालू गिला करके चले जाते हैं, तो मैं उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि सम्मान और अपमान ये तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। यही मैंने जाना है, यही मैंने समझा है। यदु ने कहा महाराज आपको कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि हम अपने पास में किसी को रख लें तो अच्छा रहे, आपको कोई चेला चेली तो पास में रख ही लेना चाहिए। बोले देखो संत अकेला रहे ना तो भजन में मन लगता है, जिसका मन वश में है वो तो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो मेरे मन पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं अकेला रहता हूं। और ये मैंने सीखा कहां से मालूम है, एक कुमारी कन्या को गुरुजी बनाया। शादी से पहले लड़की को देखने जाते हैं ना, आजकल तो महाराज ऊपर वाले भी जाते हैं, नीचे वाले भी जाते हैं, अड़ोसी भी जाते हैं, पड़ोसी भी जाते हैं, और वो बेटी वाला इतना सत्कार करता है आपसे क्या बताएं। इतना सत्कार यदि भगवान का करे तो भगवान मिल जाए, और इनके नखरे का ठिकाना ही नहीं। ठंडा गरम
कहो जय श्री कृष्ण। अब वो लड़के वाला इतना सत्कार करता है इनका, इनके लिए ठंडी की व्यवस्था करता है, गर्म की व्यवस्था करता है, उस नाश्ते पानी की व्यवस्था करता है, मखमल के गद्दे बेचारे बिछाएगा नहीं तो किराए पे लाएगा, 10-20 हज़ार रुपए इनके स्वागत में खर्च कर देता है। और जब जाने लगेंगे लड़के वाले तो लड़की का पिता डरता डरता पूछेगा, मेरी बेटी कैसी लगी आपको? हम फोन कर देंगे कैसी लगी, और वहां जाकर के फोन आ जाता है, थोड़ी अच्छी नहीं लगी, ये फूहड़पन मेरे राष्ट्र में नहीं था। बायोडाटा बनता है, ये शादी हो रही है कि सौदा हो रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। अब लड़की को देखने के लिए लड़का गया, दादी सासू जी गई, और दादी सासू जी को वो लड़की बड़ी पसंद आ गई। दादी सासू जी ने उसकी गोद में 10-5 फल रख दिए और 10-10 सौभाग्य की चिन्ह चूड़ियां पहना दी। देखो जी संबंध जी, आपकी बेटी तो हमारे घर की बहू हो गई है, अब हम तो इसी के हाथ का भोजन पाकर के जाएंगे। किसान की बेटी थी, पिता ने कहा बेटी जल्दी से दाल भात बनाओ। उसने जाकर के देखा तो घर में चावल तो नहीं थे लेकिन धान तो पूरे कमरे में थे। उसने धान धनकुट्टा में रखे और धनकुट्टा में रख करके ऊखल से जैसे ही उसको फूटने लगी तो दादी सासू जी ने जो चूड़ियां पहनाई थी ना वो खन खन बसती हैं। एक बात कहूं, पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है उतना कभी कभी बेटा नहीं रख पाता। संसार के जितने संबंध बने हैं आज तक उनमें सबसे ऊंचा और सबसे निर्मल संबंध यदि कोई है तो वो है पिता और बेटी का संबंध है। बेटी ने सोचा पिताजी की बात नंबर 2 पे आ जाएगी, घर में चावल नहीं है धन कोटे जा रहे हैं, लेकिन दादी सासू जी ने जो चिन्ह चूड़ियां पहनाई हैं इनको मैं उतारू तो उतारू कैसे। उसने 6-6 चूड़ियां उतार दी, 4-4 चूड़ियां हाथ में रखी और जैसे ही धान कुटने लगी तो 4 भी बसते हैं। उसने 2-2 चूड़ी और उतार दी, 2-2 हाथ में रखी, जैसे ही धान कुटने लगी तो 2 भी बसती हैं। उसने सोचा पूरा उतारूंगी तो फिर गड़बड़ है। उसने 1-1 चूड़ी हाथ में रखी, 1-1 चूड़ी और उतार दी और जैसे ही धान कुटने लगी सो चूड़ी बजना बंद। मैं उधर से निकल रहा था, उस लड़की का पूरा नाटक मैंने खिड़की में से देखा और उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया। क्या सीखा मैंने उससे, वासे बहुराम कलहो भवत वार्ता मयूरभी एक एव चरित साधो कंकण। वासे बहुनाम कलह, एक जगह झुंड में साथ में रहे तो विवाद हो सकता है, क्या मालूम जिसका मन वश में है वो तो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो मेरे मन पर विश्वास नहीं है, इसलिए एक एव चरित साधो रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है पड़ा रहता हूं यहां पर। यह सुनकर के यदु को बड़ा अच्छा लगा। मैंने मछली को गुरु बनाकर के सीखा, कांटे में कोई भी चीज डालते हैं मछली पकड़ने को दौड़ती है फंस जाती है। ऐसे ही जितम सर्वम जिते रसे, जिसको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है वो अपनी जीभ पर विजय प्राप्त करे। जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। यदु ने कहा आपको कभी तो ऐसा लगता होगा गुरुजी कि मुझे ये मिल जाता तो अच्छा रहता, ये मिल जाता तो अच्छा रहता,
बोले देखो आशा कभी किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, और संतों को चाहिए कि आशा तो गोविंद के मिलन की करे, बस सांसारिक वस्तुओं की क्या आशा करना। और ये मैंने सीखा कहां से मालूम है, एक वेश्या को गुरु बनाया। क्या कहते हैं गुरुजी आप? बोले हाँ, जिससे मुझे शिक्षा मिली वो मेरा गुरु। राजा जनक की नगरी में रहती थी पिंगला नाम की वेश्या। पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगर पुरा। अब पिंगला सज धज करके बैठ जाती और मन में सोचती मेरे सौंदर्य को देख करके लोग मेरे पास आएंगे। सवेरे बैठी शाम हो गई कोई नहीं आया, फिर सवेरे बैठी शाम हो गई कोई नहीं आया। एक दिन उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राम राम, इन हार्ड मांस के फुफले वालों से मैं मिलन की आस लगाती हूँ। यदि इतनी ही आशा मैंने गोविंद से मिलन की लगाई होती तो आज कन्हैया मेरी गोद में खेल रहे होते। और उसने आशा गोविंद से लगाई। कृष्ण कृष्ण कहलई मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट फेरे। जगत बावरे के संग बावरो न भयरे, कहत गोविंद सदा आनंद मेरे। मैंने उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और क्या सीखा। आशा ही परम में दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। यथा सा चिंत्य कांता सा सुखम सुसे वाव पिंगला। आशा में ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में ही सबसे बड़ा सुख है। क्यों आशा करें, किसकी आशा करें। और अंतिम गुरु तो मैंने अपने शरीर को बनाया। गुरुजी इससे आपने क्या सीखा? बोले देखो 11 बजे जब मैं इस गद्दी पर बैठा था ना, अब 2:15 बज गया है, वैसा नहीं है। और 3:30-4 बजे तक और बदल जाएगा। ये परिवर्तन ही शरीर का धर्म है। महात्मा बुद्ध ने एक दिन दुनिया का दुख देखा, घर को छोड़कर के मन में चले गए। राजा के यहाँ जब महात्मा बुद्ध पुत्र रूप में प्रकट हुए तो राजा ने बड़े बड़े त्रिकालज्ञों को बुलाया। अरे महाराज, मेरे बेटा की कुंडली देखिए, इसके भविष्य के बारे में बताएं। तो उन ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक जिस दिन भी दुनिया का दुख देख लेगा उस दिन ये घर को छोड़कर के वन में चला जाएगा। उस दिन के बाद राजा तो कहीं गए नहीं, बड़े परकोटा में महल बनवाया, तालाब कुआं बावड़ी विद्यालय सारी व्यवस्थाएं उसमें करवाई। कहीं बच्चा दुख न देख ले, इतना मुश्किल से मैंने पाला है। और देखते देखते महात्मा बुद्ध की शादी कर दी। और शादी करते ही कि महात्मा बुद्ध के घर एक बालक ने जन्म भी ले लिया। राजा ने सोचा मेरे बेटा के बेटा हो गया, इसका मतलब इसका पत्नी के प्रति प्रेम है, अब इसको पत्नी क्यों जाने देगी। तो अपने महामंत्री से बोले, मैं 22 वर्षों से कहीं गया नहीं, थोड़ा रिश्तेदारी में होकर के आता हूं। और सुनो, अब थोड़ा घूम फिर भी सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। और राजा चले गए। राजा के जाते ही महात्मा बुद्ध ने अपने महामंत्री से पूछा, मंत्री जी इस परकोटा के बाहर भी कुछ है क्या? राजन बहुत सुंदर दुनिया है। अच्छा दिखाओगे विराजे राजकुमार? रथ पे बैठकर के महात्मा बुद्ध जैसे ही अपने महल से बाहर निकले तो सबसे पहले एक झोपड़पट्टी मिल गई। झोपड़पट्टी में एक बालक सो रहा है, पैर पटक के रो रहा है, मंत्री जी ये क्या है? राजन ये एक छोटा बालक है, ये रो रहा है। मंत्री जी ये रो क्यों रहा है? राजन इसको खटमल खा रहे हैं, ये बोल नहीं सकता, ये रो सकता है। आप भी ऐसे थे राजकुमार? मैं भी ऐसा था।
थोड़ा और आगे गए। 5 किलो का बालक 20 किलो का बस्ता लद करके जा रहा है। मंत्री जी ये क्या है? राजन ये वही एक छोटा बालक है, आज इतना बड़ा हो गया, अब ये पेट भरने की शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है। आप नहीं जाते क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। थोड़ा और आगे गए। एक व्यक्ति किसी महिला के ऊपर छाता लेकर के चल रहा है, बच्चा गोद में है। मंत्री जी ये क्या है? राजन ये वही छोटा बालक है, आज इतना बड़ा हो गया, अब ये तीर्थ धाम की यात्रा पे जा रहा है, माने ससुराल जा रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ सबसे बड़ा धाम ससुराल है। धर्म पत्नी को लेकर के जा रहा है। आप नहीं जाते क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, आपका तो सब कुछ वहीं पे है। थोड़ा और आगे गए तो एक बड़े द्वार की चिट्ठी पर बूढ़ा व्यक्ति बैठा खू खू कर रहा है। मंत्री जी ये क्या है? राजन ये वही छोटा बालक है, आज इतना बड़ा हो गया, इसको दमा हो गया, खांसी हो गया, अब ये इसका शरीर रोगों से पीड़ित है। मैं भी होऊंगा, सबको होना पड़ता है राजन, ये अवस्था तो सभी की आती है। थोड़ा और आगे गई तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब यात्रा निकल रही है। मंत्री जी ये क्या है? राजन ये वही छोटा बालक है, आज इतना बड़ा हो गया, अब इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। मंत्री जी ये मरना क्या होता है? सर्वे छयाचया पतनाश्रया संजोगता जीवित मरणावधी। राजन जायते वर्धते अस्ति विपरणमते अपक्षीयते और विनश्यति, इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। मैं भी मरूंगा, सबको मरना पड़ता है राजन, ये अवस्था तो सभी की आती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, मैं एक ऐसे सत्य की खोज करूंगा जिसमें मरना नहीं होता। एक दिन दुनिया का दुख देखा, घर को छोड़कर के वन में चले गए। आखिर मैं कौन हूं? यदि मैं शरीर हूं तो ये आया कहां से है? मरने के बाद शरीर चला कहां पे जाता है? ये जीवन का काल चक्र जन्म के बाद और मरने से पहले ही क्यों है? आखिर मैं कौन हूं? और आत्मज्ञान हो गया, मैं नित्य हूं, सत्य हूं, चिन्मय हूं, तन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो ये शरीर हमें शिक्षा देता है। इस शरीर को सुबह नाश्ता देना, दोपहर में भोजन देना, शाम को थोड़ा जूस भी देना, ये हमारा धर्म है। लेकिन शरीर ही मैं हूं यह समझ करके इस पर केंद्रित हो जाना, ये तो बंधन का कारण है। मन है मनस्याणा कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तो विषया सकतम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त हो जाए तो हम बंधे हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो जाए तो हम खुले हैं। और उद्धव से बोले, उद्धव भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति से मुझे जानता है वो मुझे पा लेता है। इस ज्ञान के मार्ग में बड़ा काठिन्य है, फिसलने का भय बना रहता है। वैसे भक्ति में भी ज्ञान तो नितांत जरूरी है, लेकिन भक्ति में दंभ नहीं आता, अहंकार नहीं आता। तो पहले प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। अर्जुन रास्ते में जा रहे थे तो सामने से आ रहे थे हनुमान जी महाराज। अब अर्जुन है कृष्ण भक्त और हनुमान जी है राम भक्त।
अर्जुन ने कहा जय श्री कृष्ण, हनुमान जी बोले राम राम। हनुमान जी बोले अर्जुन जब भी मैं तुमको देखता हूं तो मुझे गोविंद की याद आ जाती है। गोविंद ने जब कुरुक्षेत्र में तुम तो पहले प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी बोले जब भी मैं तुमको देखता हूं ना अर्जुन मुझे गोविंद की याद आ जाती है। जब भगवान ने तुम्हें गीता सुनाई थी ना तब मैं ही तो बैठा था रथ की ध्वजा पर, मैंने पूरी गीता सुनी है। चलो कृष्ण कथा सुनाओ। अर्जुन को बड़ा भाव जग गया और सारी कृष्ण कथा अर्जुन ने हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी जैसा श्रोता कौन हो सकता है। बड़े प्रेम से उन्होंने कृष्ण कथा श्रवण की और जब कथा पूरी हुई, अच्छा हनुमान, अच्छा अर्जुन, मानो कृष्ण का साक्षात्कार ही हो गया। बड़ा आनंद आ गया गोविंद की कथा को सुन करके। अच्छा तो जय सिया राम, अभी मैं चलता हूं। हनुमान जी महाराज जैसे ही चलने लगे अर्जुन बोले ओ भगत जी बदला नहीं चुकाओगे। हनुमान जी बोले किस बात का बदला। बोले मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई, आप हमें राम कथा सुनाओ। उत्तम क्वालिटी के वक्ता होने के बावजूद हनुमंत लाल उत्तम क्वालिटी के श्रोता भी हैं और उत्तम क्वालिटी के वक्ता भी हैं। बड़ा सुंदर भाव जग गया और कथा सुनाने के लिए बैठ गए। देखो अर्जुन, परमात्मा राघवेंद्र का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी महाराज पधारे उनको लेने के लिए, उनके साथ में भी चले गए। वहां पर प्रभु का विवाह हुआ और यहां आते ही परमात्मा का वनवास हो गया, माता जी का हरण हो गया और मेरे द्वारा मैंने सुग्रीव से परमात्मा की मैत्री करवा दी। फिर क्या था, माता जी का पता लगाना था। फिर मैं लंका में गया, फिर मैंने देखो लंका को जला दी, अक्षय कुमार को मैंने मार दिया। मैंने आकर के समाचार परमात्मा राम को दिया। फिर मैंने ये काम किया, फिर देखो मैंने ये किया। फिर क्या था, रामेश्वरम की स्थापना हुई, समुद्र के ऊपर सेतुबंध का निर्माण हुआ। फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। अर्जुन तो मुंह घुमा करके बैठ गए। ओ भगत जी, मैं आपको राम कथा सुना रहा हूं, आपने मुंह काहे को घुमा लिया। अर्जुन बोले कोई आश्चर्य नहीं है। क्या मतलब, इतने छोटे सी पुल पर, इतने छोटे से समुद्र पर पुल बनाने के लिए आपके राम जी ने इतनी बड़ी वानर सेना को तकलीफ दी। हनुमान जी बोले तो तुम ये समझते हो कि पुल बनाना मामूली बात है। बोले और नहीं तो क्या। कि ना हम शंकर सणो ब्रह्मन् न कृष्णो काष्ठुरे मच अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम् यस्य वैधन। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। सेना से बोल देता है एक तरफ खड़ी हो जाओ, अभिमंत्रित करके बाण चलाता है, एक बाणे में से 50 करोड़ बाण निकल पड़ते हैं, एक सेकंड में पुल बनकर के तैयार। हनुमान जी बोले आगे की कथा तो बाद में होगी, पहले तो तुम पुल ही बना करके दिखाओ। और तुम्हारे पुल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि राम जी की सेना को संभाल ले। अरे राम जी की सेना में तो मेरे जैसे कितने बड़े पराक्रमी थे। आगे की कथा तो बाद में करेंगे, पहले तुम पुल ही बना करके दिखाओ। अर्जुन ने महाराज तरकस में से एक बाण निकाला, जैसे ही गांडियों पर चढ़ाया, अभिमंत्रित करके बाण को चलाया, एक बाण में से 50 करोड़ बाण निकल पड़े, एक सेकंड में फुल बनकर के तैयार। ये देखिए गांडियों का चमत्कार। हनुमान जी बोले अच्छा चढ़ जाऊं। अर्जुन बोले चढ़ जाइए। जय सिया राम जैसे ही हनुमंत लाल ने कहा, सो बाबा पहाड़ जैसा बन गया। अर्जुन घबराए, हे भगवान तोड़ देगा क्या, चढ़ जाऊं। बोले चढ़ जाइए।
जय श्री राम कहकर के हनुमंत लाल ने अर्जुन के बाणों के पुल पर अपना पैर रखा, सोई अर्जुन का तो जब शुरू हो गया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, चरम तो बहुत किया पर टूटा नहीं। हनुमान जी महाराज जोर जोर से कूदते हैं फिर भी नहीं टूटता है। ओ भगत जी, मेरे शरीर की शक्ति से तुम्हारे बाणों का पुल टूट जाना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा? तुम्हारे पुल का मैं परीक्षण करूंगा। हनुमंत लाल ने बाणों के पुल से नीचे उतर करके नीचे नजर डाल करके देखा तो मेरे गोविंद कंधा लगा करके खड़े थे। जब ये दृश्य देखा तो हनुमंत लाल के नेत्रों में आंसू आ गए और बोले, प्रभु आप भगवान कंधा झाड़ते हुए आए। वीरवर हनुमान, अर्जुन बालक है, आपसे ऐसी बात बोल गया, बहुत गलत बात है। आपकी शक्ति को अर्जुन के बाणों का पुल सहन कर ले, ये कदापि नहीं हो सकता। लेकिन इसने जो कुछ भी बोला मेरे बल पर ही तो बोला, इसलिए मैंने सोचा कि बातें तो बाद में करूंगा, पहले टूटने से बचाऊं, सोई मैंने आकर के कंधा लगा लिया। हनुमंत लाल ने अर्जुन को गले से लगाया। अर्जुन तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तुझे बुलाने में विलंब हुआ लेकिन गोविंद ने आने में देरी नहीं की, तेरी भक्ति को मैं नमन करता हूं। तो भगवान कहते हैं भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति से मुझे जानता है वो मुझे पा लेता है। उद्धव को जाने के लिए कह दिया लेकिन उद्धव गए नहीं, आगे आगे देखो तो सही होता है क्या। यदुवंशियों में झगड़ा छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। चतुपंचा विशेषता 10-20-50 बचे होंगे, बाकी सब खत्म। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और मेरे गोविंद भी रथ पे आरूढ़ होकर के प्रभासक क्षेत्र में आ गए। पिपल के वृक्ष के नीचे दाहिनी जंगा पर बाएं चरण को रख करके मेरे गोविंद अर्धसेना अवस्था में बैठे थे। तो लोहा पिंड को पीस करके जो समुद्र में डाला था ना, उसी का एक टुकड़ा मछली निकल गई थी और उसी मछली के पेट से किसी पहेलिए ने उस टुकड़े को निकाल करके अपने बाणों पर सजा लिया और दूर से मेरे गोविंद के चरण के तलवे को देखा, बहेलिए ने निशाना साध दिया और वही बाण आकर के गोविंद के चरण के तलवे में लगा। बहेलिया रोता रोता आया, हे भगवान, मैंने प्रभु को बाण मार दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। गोविंद ने कहा, बहेलिए ये मेरी इच्छा है कि महावीर भरे समुत्तिष्ठ काम ही सुप्रितो ही में या ही ब्रह्म मदनो ज्ञाता सर्वं सुप्रितिनां परम। और तुम सीधे स्वर्ग में जाओ। बहेलियों को स्वर्ग में भेज दिया। अर्जुन आ गए, पानी लेने के लिए गए थे अर्जुन, गोविंद के चरणों में गोविंद के चरण के तलवे में बाण को लगे हुए देखा। किसने किया है ये, किसने किया है ये दृष्टता? गोविंद बोले, अर्जुन ये मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूं कि तुम द्वारिका जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें, और द्वारिका में हमारी जो पटरानियां हैं उनको वृंदावन में किशोरी राधा रानी के पास छोड़ देना। द्वारिका की पटरानियां किशोरी राधा रानी का सान्निध्य पाएंगी तो उनका कल्याण होगा। बच्चों की तरह रोते विलखते अर्जुन जा रहे हैं और कृष्ण पत्नियों को लेकर के आ रहे थे, स्वयं कृष्ण ही गोप बनकर के गए, अपनी पत्नियों का हरण कर लिया और ये बताया प्रभु ने कि तेरा गांडू भी तभी तक काम करता है जब तक गोविंद तेरे साथ है। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आकाश में सभी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं, भगवान जाते हैं तो जाते कहां हैं? और देवताओं के देखते देखते देवताओं की जरासी पलक झपकी, मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। बोले, स्वकीयम यद्भवेत् तेजो तच्च भागवते महान।
अर्जुन ने आकर के युधिष्ठिर जी को बताई, कुंती का प्राणांत हो गया, पांडव तुम्हें राज्य देकर के स्वर्ग में चले गए और तुमने बड़ी निपुणता से प्रशासन किया। 7 दिन पहले तुमने किसी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और संत के पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन पहले तुम सर्वस्व त्याग करके सुखताल क्षेत्र में आ गए और अकस्मात में तुम्हारी सभा में आ गया राजन और तुमने मुझसे भागवत कथा सुनी। 7 दिन के अंतराल में तुमने सैकड़ों प्रश्न मुझसे किए और मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं, जवाब दोगे? राजा ने कहा, पूछिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा ने आधा सेकंड भी नहीं सोचा, बोले मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? बोले बस, और तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। और एक बात जाते जाते तुमसे मैं कह देता हूँ राजन, घटे भिन्ने यथा आकाश आकाशस्य यथा पुरा एवं देहे न ते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। राजन, एक मिट्टी का खाली घड़ा होता है और उस मिट्टी के खाली घड़े में एक आकाश होता है जिसको हम घटाकाश कहते हैं। मैंने एक डंडा लिया, घड़े पे मार दिया और घड़ा फूट गया। बताओ अंदर का आकाश किधर गया? महाकाश में मिल गया। उसी प्रकार से राजन, हम लोग कभी कभी स्वप्न देखते हैं ना। देखो बड़ा सुंदर सपना देखा, हम तो सो रहे थे, आम का बगीचा, जामुन का पेड़, सरोवर में कमल खिल रहे हैं, गुलाब खिल रहे हैं, गेंदा खिल रहे हैं। अब मैं तो शोभा देख रहा था जंगल की, इतने में मैंने देखा कि झाड़ी के पीछे एक दाढ़ी वाला बंपर शेर बैठा है। अब शेर ने मुझे और मैंने शेर को देख लिया। शेर कहता है, ताजा नाश्ता मिला है, छोड़ूंगा नहीं। अब मैं भागा, पर शेर की बराबर दौड़ लूंगा क्या? उसने 36 फीट की सलांग लगाई, सो पकड़ लिया मुझे, 2-2 इंची के दांत। मेरा मुंह अपने मुंह में लेने लग गया और जैसे ही अपने दांतों से मेरे गले को काटने लगा, सुई हड़बड़ा करके मेरी नींद खोली। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने देखा, मैंने कहा गला तो बरोबर है, फिर देखो मुझे खूब हंसी आई। तो राजन, जैसे स्वप्न में कोई गला काट दे और जागने पर हंसी आती है, उसी प्रकार से मोहन साहस गए सोम निहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। परीक्षित तक्षक आएगा और वो डसेगा, पर सारांश ये हुआ, वो शरीर को डसेगा और तुम शरीर हो नहीं। 7 दिन के कथा के अंतराल में वाणी के माध्यम से कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान सुखदेव के चरणों में परीक्षित जी महाराज ने पुष्प अर्पित कर दिए और सुखदेव जी महाराज चले गए। स्वकीयम यत् भवेत् तेजो तच्च भागवते महान। परीक्षित को तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है। जन्मेजय आदि पुत्रों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, लेकिन तक्षक सूक्ष्म रूप में आया और विशाल बनकर के परीक्षित जी महाराज के देह को डस गया।
और परीक्षित जी महाराज का जो पंच भौतिक देह है वह जल करके राख हो गया। जन्मेजय को अच्छा नहीं लगा, सर्प यज्ञ किया और सभी सर्प आकर के यज्ञ कुंड में गिर गए। तक्षक भी खींचा चला आ रहा था तो जरत कारु के बेटा आस्तिक मुनि आ गए और बृहस्पति जी भी आए थे। इन दोनों ने आकर के यज्ञ को बीच में रुकवाया और जन्मेजय को बड़ा सुंदर उपदेश बृहस्पति जी ने किया। निम्न गाना निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं कथा। बहने वालों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत अति उत्तम है, वैष्णवों में शंकर जी सर्वोत्तम है और पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा पासीहमुत्तम एवं पुराण प्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। ये पुराणों का तिलक है। 7 दिन तक आप सभी ने मेरे माध्यम से भागवत की कथा सुनी, अपनी टूटी फूटी वाणी में जैसा भी मुझे आता था वैसा आपको सुनाया। 7 दिन की कथा के अंतराल में मेरी वाणी के माध्यम से यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, अपना पुत्र ही समझ करके। वैसे भी मेरे चाचा जी जो लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री जी हैं, उनका पूरा ध्येय रहा, पूरा श्रेय रहा इस कथा को करवाने के लिए। मेरे से बहुत पहले से इन्होंने आग्रह किया था कि तुम्हें आकर के वहां पर कथा करनी है और भगवान का संजोग कि मेरी वाणी के माध्यम से यहां पर कथा होनी थी, तो ये संजोग होता है। और 7 दिन तक आप सभी ने बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर कथा सुनी और श्री लक्ष्मी नारायण जी के पूर्ण प्रयास से यह कथा आज सफल बन पाई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे शास्त्री जी के लिए। और अब भागवत का अंतिम श्लोक मैं सभी जगह श्रोताओं से बुलवाता हूँ। एक श्लोक के 4 भाग करेंगे और उसको 4 बार बोलेंगे। संपूर्ण भागवत का सारांश मानो इसमें छुपा है। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
नाम संकीर्तनम यस्य परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम सभी पापों का क्षय हो जाता है। प्रणामो दुख समन है, जितने भी हमारे जीवन में दुख है, ताप है, संताप है, उन सभी दुखों का, उन सभी तापों का और उन सभी संतापों का नाश हो जाता है। और अंत में तम नमामि हरिम परम, हमें परमात्मा हरि की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले प्यार से कहो जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।